हमारे हार और जीत में सिर्फ एक चीज का फर्क है, सोच। डिजायर सोच क्रिएट करती है। पहले क्या होता है? सोच क्या? डिजायर, डिजायर कुछ पाने की चाहत। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। फील्ड में मैं जाने वाला हूं, चाहे मैं डॉक्टर बनने वाला हूं, इंजीनियर बनने वाला हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाला हूं, कुछ भी बनने वाला हूं, इस हद तक अपना एफर्ट डाल दूंगा उस काम के अंदर अंदर जो आज तक किसी ने नहीं लगाया। पता नहीं सीए के नाम में ऐसा क्या है। दोस्तों ये जो सीए का नाम है ना, नाम, यू डोंट रियलाइज दिस राइट नाउ, मगर ये जो सीए का नाम है ना, दिस इट हैज अमेजिंग पावर्स। आपने सुना है राम से बड़ा राम का नाम? सुना है आपने? सबसे बड़ी चीज मुझे बड़ा अजीब लगता है कि वी लुक फॉर मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स, आपको अपने में से मोटिवेशन नहीं आता, आपके अपने गोल्स नहीं है। अरे गोल्स बनाओ भाई, रोज पागलों की तरह, दीवानों की तरह उनका पीछा करो। जब जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ तो, कुछ तो खास करना है, ये कुछ होना चाहिए। हमारे दिमाग में वो फीलिंग आ गया ना कुछ भारी करना है, तो फिर वो सपना आपको सोने नहीं देगा। जो आपको डिस्टर्ब करता है छोड़ दो उसे, जो आपको पॉजिटिव रखता है, जो मोटिवेट करता है, जोड़ दो उसे अपनी लाइफ में, बिकॉज यू आर ओनली मेकर एंड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। जब तुम्हें वो हो गया नहीं यार मुझे 50 करोड़ कमाने के हैं, या मुझे सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, या मुझे ऐसी ऑडी गाड़ी लेना है, या मुझे बंगलो लेना है, मेरे माँ बाप को फॉरेन टूर भेजना, ये सब डिजायर है जो तुम्हें ये करने को मजबूर करते हैं। क्या नहीं कर सकते आप? क्या फर्क है उनमें, डॉक्टर कलाम में, मुझ में, या ऐसे और पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने और आने वाले हैं, क्या फर्क है? एक झूठ है जो जाकर के आपके दिमाग में किसी ने घुसा दिया है कि फर्क है, फर्क है, फर्क है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है, उनके अंदर कुछ स्पेशल है। अरे किसी के अंदर कोई स्पेशल नहीं, कुछ नहीं है। अगर मेरे को सेव भी बनना है, गर्लफ्रेंड भी चाहिए, मस्ती भी करना है, मोबाइल भी चाहिए, पागल हो गए क्या तू? सब कैसे मिलेंगे आपको? आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। सो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है गाइस कि यार गिव योर बेस्ट 100% दे दो इस बार शानदार वाला। देखो मैं बताऊं ना, आप ये समझो कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जो मानना है वो मान के और एग्जाम दे दो। किसी को कोई ज्यादा बाकी चीजों का प्रेशर है नहीं, जितनी पढ़ाई होती है उतनी करो। और यार 100% आपके पास काम क्या है आज? यार पढ़ना ही तो है, और क्या काम है अपने पास करके? ठीक है देखो भाई, पाना बहुत अधिक है तो फिर खोना भी चाहिए ना उसके लिए। आपके सपने देखे ऐसे, आपके शौक ऐसे, आपको लगता है मैं ब्रांडेड पढ़ लूँ, मैं सब, मेरे पास कार भी ऐसे होना चाहिए, मेरे पास मेरा हवा होना चाहिए, मेरे फॉलोअर्स भी चाहिए, लोग मुझे देखे, मुझे सुने, वो सारी चीज़ें होना चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ उतना एडिशनल करना भी पड़ेगा। बट यार डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द सोशल मीडिया एंड ऑल, जस्ट फोकस टू योर स्टडी। अपने आप को कूल रखो, अपने आप को दिमाग में शांति रखो। ये जो नाम है ना CA, the moment you attain this word CA, you command respect, power, recognition, social status, everything. It has amazing, amazing power. I don't know something about this. पर लोग कहते हैं राम नाम जपो पार लग जाओगे। I say कि अगर आप CA का नाम राम जप रहे हो, जिस तरीके से all of you are at this point in time in your life, I can tell you from my experience going to serve you. There is no doubt about it. ये जो CA का नाम है, ये CA से बड़ा है। CA का नाम CA से बड़ा, ये बात आप भूलना नहीं। इस दुनिया में दो टाइप के लोग, एक आम आदमी, एक खास आदमी। कुछ लोगों को जिंदगी आम बोल के बहुत पसंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, एक 2 BHK का फ्लैट होगा, एक 8-10 लाख की गाड़ी होगी, और वो जिंदगी जीने को, दूसरों की जिंदगी देख के उसको तरस नहीं आती। मान लो समझो उसके पेरेंट्स के पास में 2 BHK का फ्लैट है, 8-10 लाख की गाड़ी है, थोड़ी बहुत सेविंग है, और उसको लगता है मेरी लाइफ भी ऐसी होना चाहिए, तो उन लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। पर आपको जब लगता है ना ये देख के, यार नहीं ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं देना, मुझे मेरे माँ बाप को एक बेटर लाइफ देना है, ऐसा है मरमर नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी भी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मुझे ऐसा लाइफ नहीं चाहिए, देन यू रियली हैव टू वर्क हार्ड। आपको आउटस्टैंडिंग काम करना पड़ेगा। जिसका डिजायर जितना बड़ा है उसकी सक्सेस उतनी ही बड़ी है।
यू गाइस स्टार्टेड योर स्टडीज हेलो यू गाइस स्टार्टेड योर स्टडीज फॉर व्हाट सीए कोर्स सीए की पढ़ाई शुरू कर दी मैंने फाउंडेशन में हूं और सर जब फाउंडेशन की शुरुआत करी थी तो सर सब तरफ ऐसा लग रहा था भाई कि सीए कर रहा हूं बहुत डिफिकल्ट है कोर्स क्या मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ऐसा लगता था ऐसा डर लगता था बट मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी कोर्स डिफिकल्ट नहीं है कोई भी कोर्स इजी नहीं है वो इजी या डिफिकल्ट बनता है आपके माइंडसेट के बेसिस पे योर माइंड विल डिफाइन वेदर द सब्जेक्ट वेदर द कोर्स वेदर एनी पर्टिकुलर थिंग यू डू इन लाइफ इज डिफिकल्ट और नॉट योर माइंड विल डिसाइड योर माइंड विल डिसाइड असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्यागो तुम संघर्षों का मैदान मत छोड़ भागो तुम यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बहुत इजी ऑप्शन होता है हमारी लाइफ में चीजों को क्विट करना कि क्विट कर दिया अब जैसे कि मैंने ये स्टोरी क्यों कही मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आपकी लाइफ चेंज हो गई है आपके पेरेंट्स आपसे दूर है आपका खाना पीना आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा है बहुत सारे स्ट्रगल्स है आपके लाइफ में मैं ये चीज ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रही हूँ इस डायस पे रहते हुए मैं सब कुछ समझती हूँ मैंने भी अपने परिवार को छोड़ा है और मैं सर के परिवार से जुड़ी हूँ मेरे भी रहने के मेरे भी खाने पीने के स्टाइल्स अलग थे और यहाँ के जो लाइफ स्टाइल्स है वो टोटली अलग है बट देखो आज अगर मैं कुछ हूँ इट इज बिकॉज आई वेंट थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल नहीं रहेगा और सिर्फ आराम रहेगा एवरीथिंग इन द कंफर्ट जोन आप इस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाओगे देखो समझने की कोशिश कीजिए देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब इन इंग्लिश आल्सो दैट क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट आप अगर आज यहाँ पे आए हो कुछ चीज हासिल करने के लिए आए हो या नहीं हो अब आप खुद सोचिए कि आपके माँ बाप को अच्छा लगेगा कि सब कुछ छोड़ के आप वापस से उनके पास चले गए उनको ये खुशी कम होगी कि आप उनके पास आए हो उनको ये गम ज्यादा होगा कि हम हमारे बच्चे को समझा नहीं पाए या हमारे बच्चे को हम समझा नहीं पाए कि कैसे सिचुएशन को फेस करते हैं स्ट्रगल जाते हैं ऐसा कभी नहीं होता है कि आपके लाइफ में कभी स्ट्रगल रहेगा ही नहीं हर एक के लाइफ में स्ट्रगल जाते हैं आप क्या मैं भी आज आपको लग रहा होगा कि मैम कितनी लकी है उनका नाम पूरे भारत देश में करोड़ों में उन्होंने कमा रही है हजारों में स्टूडेंट्स उनके लाइव और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं कितनी मस्त जिंदगी है मैम की बट समझने की कोशिश कीजिए आज अगर मैं यहाँ पे हूँ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई लक इट इज बिकॉज ऑफ माई कमिटमेंट ये मुकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है बहुत कुछ आप लोग शायद मुझे पर्सनली जानते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं है कितनी सारी चीजें मैंने खोई है बट वेरियस थिंग्स इन माय लाइफ आई हैड टू क्विट सो दैट आई कुड कम हियर तो बस वही जुनून वही जज्बा वही एटीट्यूड जो आप 10th के समय पे अभी 12th के समय पे रखते हो ना कि आपको स्कोर करना है बस वही एटीट्यूड मुझे चाहिए आप लोगों से कि मुझे फाउंडेशन में भी इंटर में भी फाइनल में भी स्कोर करना है पास तो हो ही जाऊंगा पास होने का टेंशन नहीं रखना है मुझे यू डिजर्व अ मोर बेटर लाइफ राइट और अगर आपका ड्रीम सीए है तो लग जाइए पूरी मेहनत के साथ बाकी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भरोसा दिलाता हूं कि सीए में लक फैक्टर नहीं होता सीए में सिर्फ कर्म होता है सीए में सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है एफिशिएंट टाइम प्लानिंग करनी होती है और ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेगी और अगर आप नहीं करोगे तो बेटा जी सीए में क्लियर होना थोड़ा सा मुश्किल है तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी जिंदगी सुंदर रहे आपकी जिंदगी जो है वो निखरे आपको कभी ना कभी तो स्ट्रगल करना ही होगा कब तक माँ बाप के पैसों पे आप रहोगे तो ये जो स्ट्रगल करने का समय है वो आज का है आज नहीं तो कभी नहीं चॉइस इज योर्स कि मुझे शॉर्ट टर्म में गेन चाहिए और लॉन्ग टर्म में पेन चाहिए या मुझे शॉर्ट टर्म पेन चलेगा बट मेरे को लॉन्ग टर्म गेन चाहिए अगर ये चीज समझने में आपकी होशियारी आ गई तो समझ लेना आप भी वो सक्सेसफुल गिने चुने लोग जो है उनमें आपकी गिनती आ गई